तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, उसका मैं पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, संविधान की ओर कैसे चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो क्वेश्चन पहला लिया है मैंने, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी बच्चों को आता होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, लचीला व कठोर संविधान होता क्या है। तो मैं बता दूँ, लचीला का मतलब होता है इजी, यानी आसान, कठोर कठिन होता है। तो लचीला संविधान से, लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं, यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आसान तरीके से हो जाए तो लचीला लचीला संविधान संशोधन है, लचीला हो जाएगा। और कठोर जो है, जो बहुत मुश्किल तरह से जो है उसमें संशोधन हो पाता है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे लचीला संविधान। लचीला संविधान का अर्थ है जिस संविधान में संशोधन आसानी से हो सके। तो यह है लचीला संविधान, इसे ही लचीला संविधान संशोधन कहते हैं। दूसरा, कठोर संविधान। कठोर संविधान का अर्थ है जिस संविधान में संशोधन करना कठिन हो आसानी से संविधान में संशोधन ना हो पाए। तो ये थे आपके जो कठोर और लचीला संविधान। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये दो नंबर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है दो नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं। संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान को ही क्यों सर्वोच्च माना गया, सबसे ऊपर, और क्या समझते हैं उससे आप। तो संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय है कि कोई भी संस्था या सरकार का कोई अंग, जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका या न्यायपालिका, संविधान से ऊपर नहीं है। यानी जो अपने जो तीन है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ये जो है इससे जो ये तीनों है ये किस वो संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान सबसे सर्वोच्च है। तो ये बताया। और दूसरे में बताया, ये सभी अपनी सह शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती है। यानी ये जो तीनों है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है अपनी शक्तियाँ एक तो, और जो क्षेत्राधिकार मतलब क्षेत्रों के जो अधिकार दिए जाते हैं इनको, तो वो उसके लिए ये जो है संविधान पर निर्भर है। तो ये भी दो नंबर का क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान में कितने सदस्य हुए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय जो संविधान में कितने सदस्य थे, संविधान जो बन रहा था उस समय कितने सदस्य थे, भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो संविधान में थे 389 सदस्य, वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान जो है उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा। चौथा क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप सोचिए एक बार मन में कि संविधान नहीं होगा तो क्या होगा। संविधान नहीं होगा तो नियम कानून नहीं होंगे, नियम कानूनों का पालन नहीं होगा, लोग जो है सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, कोई देश के लिए नहीं सोचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने थॉट से कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ के ना गया हो, उसको पता भी ना हो, तो वो अपने थॉट से इतना लिख सकता है इसके बारे में कि उसे 4 नंबर में से 2 नंबर तो मिल ही जाए। तो मैंने बता रखे हैं चारों पॉइंट, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। निर्णय लेने की शक्ति के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है, यानी जरूरत पड़ती है। जो निर्णय लेना मतलब कैसा निर्णय ले कि अच्छा हो, वो संविधान को देख कर लिया जाता है। तो ये संविधान के लिए, संविधान की आवश्यकता पड़ती है हमें इसके लिए। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है कि सरकार जो है वो जो है जनता की नहीं सुन रही है, अपने आप ही अपनी मर्जी चला रही है, तो उस पर काबू पाने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जो समाज की आकांक्षाएँ क्या है, ज़रूरतें क्या है और लक्ष्य क्या है, जो उनको पूरा करने के लिए जो है एक संविधान ही कर सकता है उसे पूरा, जो किसी देश को अच्छा भी बना सकता है तो वो संविधान ही कर सकता है। तो इसलिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आप विकास को भी लेकर देख सकते हैं कि अगर संविधान नहीं होगा तो लोग अपना भी विकास नहीं कर पाएंगे और देश का भी विकास नहीं होगा। चौथा है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर यह, इसका मतलब राष्ट्र की बुनियादी पहचान का अर्थ है कि अगर किसी देश में संविधान है तो वो राष्ट्र माना जाएगा, वरना उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो देश ही नहीं माना जाएगा एक तरह से। तो राष्ट्र की जो अलग ही पहचान होती है जब संविधान होता है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। तो ये था आपका 4 नंबर का क्वेश्चन, जो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
अगला है प्रश्न आपका पांचवा, भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन करें। भारतीय जो संविधान है, हमारा संविधान है, उसके कार्य क्या क्या है, वो काम क्या क्या करती है। तो भारतीय संविधान के कार्य निम्न प्रकार से, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। संविधान का पहला काम यह है कि वह एक ऐसा नियम दे कि जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय व विश्वास बना रहे। यानी इसके कहने का मतलब है, जो संविधान का जो पहला काम है कि वो संविधान ऐसा नियम दे कि जिससे समाज के लोग जो है ना एकजुट होकर रहे, और जो है आपसी विश्वास हो, इनमें विश्वास बना रहे एक दूसरे के ऊपर। न्यूनतम समन्वय का मतलब है मेल मिलाप करके रहे और विश्वास रहे इनके ऊपर। तो ये पहला कार्य है कि ऐसा नियम दे कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास बनाकर रहे, पहला पॉइंट। दूसरा, संविधान का दूसरा काम है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करेगी कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करेगी कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी सरकार कैसे बनेगी। तो ये दूसरा काम था संविधान का। तीसरा काम है संविधान का कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। यानी कोई भी कानून बनता है तो उस पर कोई सीमा बनाए रखे, कोई सीमा रखे उस पर कि इतना होगा। तो ये था आपका तीसरा काम, कि संविधान का तीसरा कार्य यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करें। जो सरकार है कोई कानून बनाती है तो उसकी कोई सीमा तय करना संविधान का काम है। चौथा पॉइंट है, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। यानी संविधान है उसका जो चौथा काम है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता, मतलब ऐसी शक्ति दे या अच्छी विशेष अधिकार दे, कुछ भी दे, कि वह जनता के लिए जो है, जो जनता की आकांक्षा है उसको पूरा करा जा सके सरकार के द्वारा, और जो है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, मतलब सच्चे जो समाज की स्थापना हो। तो ये था आपका जो है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया भारतीय संविधान के जो कार्य हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न 6, छठा, भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधान को शामिल किया गया है, उनका वर्णन कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसमें किन देशों का जो प्रावधान है, मतलब उन देशों के जो भी होंगे सिद्धांत, उनको किन किन को शामिल किया गया है। और यह क्वेश्चन ये बन सकता है, भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन, और दो मैंने लिख रखे है कि दो तरह से आ सकता है। एक और तीसरा है कि जो घुमा के आता है, और मेरे मेरे टाइम पे आया था कि जो भारतीय संविधान है वो उधार लिया गया थैला है, स्पष्ट करें। तो ये तीन जो मैंने बताया आपको, इन तीनों में से एक आ सकता है, और आप कंफ्यूज मत होना, ये एक ही क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में निम्न देशों से प्रावधान को शामिल किया गया है। अगर स्रोत पूछे तो आपको भारतीय संविधान में निम्न देशों से स्रोत जो है लिया गया है, और जो अगर थैले पूछे कि भारतीय संविधान जो है कि उधार लिया गया थैला है, तो हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो उधार लिया गया थैला है। तो ऐसे फिर आप जो है स्टार्ट करेंगे, पहला ब्रिटिश संविधान से, जो ब्रिटिश का जो संविधान है उससे क्या क्या लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, जो मैंने बता ही रखा है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली क्या होती है। तो दोबारा भी बता देता हूँ मैं, कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली होती है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जो बटी हुई है, तो वो भी जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानूनों के शासन का विचार, जो कानूनों के शासन का विचार है ये भी लिया गया है। चौथा है विधायिका के में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, जो विधायिका है उसमें अध्यक्ष का पद और जो उनकी भूमिका क्या होगी, तो ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून निर्माण की विधि, कानून जो है वो बनेगी कैसे, जो उसकी प्रक्रिया होगी, ये जो है 5, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो बहुत इजी तरीके से, और कभी कभी ये होता है कि आपसे कोई एक पूछ ले कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो 4 नंबर में भी आ सकता है। तो ये मैंने 5 पॉइंट बता रखे हैं। दूसरा है अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकारों की सूची, जो मौलिक अधिकार है लोगों के, जो मौलिक अधिकार क्या होता है, जो जीवन
व्यक्ति के मतलब जन्म के बच्चे के जन्म के साथ ही उसको जो अधिकार मिलते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं। दूसरा पॉइंट है न्यायिक पूर्ण अवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र कर रखा ये है अमेरिका से लिया गया, और न्यायिक पूर्ण अवलोकन बता रखा है मैंने कि अगर किसी को न्याय ना मिले तो वो दूसरे अदालत में जाकर या उसकी दोबारा से जांच हो सकती है कि ये न्याय सही है। तो ये था आपके दो जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चौथा है फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा, कनाडा का जो संविधान है उससे लिया गया, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और दूसरा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये जो थे आपके जो है संविधान के स्रोत थे या प्रावधान भी कह सकते हैं आप या उधार लिया गया थैला। तो ये आपके आंसर थे और ये जो है क्वेश्चन बड़े में आता है 6 नंबर में, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगा चैप्टर 2, फिर धीरे धीरे हम पूरा जो है सिलेबस ख़त्म करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताए कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबा दें ताकि जो हमारे आने वाले जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।